वेलकम बैक। मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहा, इसके बारे में हम पूरा गहन विचार करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप अगर आजादी के बाद कांग्रेस समाप्त हो गई होती तो क्या होता। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो देश में कश्मीरी पंडितों का पालन न होता, 1984 का दंगा न हुआ होता और तंदूर कांड न हुआ होता। पीएम मोदी ने आगे कहा, अगर कांग्रेस न होती तो आपातकाल का कलंक न होता, अगर कांग्रेस न होती तो दर्शकों तक भ्रष्टाचार का संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता, अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंकवाद की आग में न जलता, कश्मीर के पंडितों के कश्मीर छोड़ने की नौबत ना आती, बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं ना होती, देश के सामान्य जन को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय की मूलभूत सुविधाएं भी मिलती, अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता और भारत विदेशी के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता।